हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, हम टेढ़ेसरा में हैं। टेढ़ेसरा में गाड़ी पलट गई है, एक्सीडेंट हो गई है। और ये देखिए, गाड़ी का सामान दूसरे गाड़ियों में शिफ्ट करके भेजा जा रहा है। थोड़ा रास्ता ख़राब रहता है, थोड़ा देख के चलना पड़ता है, ये थोड़ा खतरा रास्ता है। इस साइड में चल रहा है हमारा टूटा स्टेशन से लेआउट का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे डायवर्शन रोड गया हुआ है, ये ऑटो टल स्टेशन लग गया है क्योंकि साइड में लेआउट करने के लिए वो लेआउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे ये हमारा हार्टमेंट जो बन चुका है, और ये इसमें आप देख सकते हैं लोहा प्रेसेंटिंग प्लेट्स और चैनल सब स्टेकिंग करके रखा गया हुआ है। और ये भी हमारे इस तरफ से जाएंगे तो देखिए रास्ता जो डायवर्शन रास्ता बना हुआ है गाड़ी आने जाने के लिए अलग से जो बनाया गया था, जो मैंने पिछले अम्बागढ़ चौकी यूट्यूब में डाला है। और ये अभी हम टोटल स्टेशन से लेआउट कर रहे हैं। ये अम्बागढ़ चौकी से 14 किलोमीटर पड़ता है, 12 किलोमीटर चिल्हाटी, उसके बाद 2 किलोमीटर में मराठ टोला पड़ता है। ये मराठ टोला में ये कार्य चल रहा है, ये पुलिया काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र तरफ जाने का रास्ता है। ये इस तरफ से जाएंगे तो महाराष्ट्र तरफ आप निकल जाएंगे। ये गिट्टी पड़ी है, रेती पड़ी है साइड में। और अब देखिए ये डायवर्शन रोड से आते हैं, देखो बड़े धीरे से आते हैं, बच के आते हैं, ठीक है, अच्छा चले, आराम से चले हम लोग जाते हैं। और ये देखिए, देखा जा रहा है किस तरह से टोटल स्टेशन को सेट किया जा रहा है। और वो मशीन देखो, हमारी मशीन ब्रेकर से तोड़ रही है जो कंक्रीट दिख रहे हैं आपको, देखिए इधर इधर जो दोनों वाल जो है कंक्रीट की वाल है उसको तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ने के बाद फिर हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। एक जगह पानी दिख रहा है, ये पी थ्री का गड्ढा है ये, और वहाँ पे देखो वो तोड़ रहा है, वाल को तोड़ रहा है। वहाँ पे एक और पियर का एक्सप्रेशन चालू है। ये देखो टोटल स्टेशन लग गया है, ये अब अपने हिसाब से मार्किंग करने के लिए दिखा रहे हैं। और हम लोगों ने टेम्परेरी मार्किंग कर लिया था और लेआउट कर लिया था कि जिस हिसाब से सेंटर ये आएगा करके, ये है इंजीनियर साहब जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे कार्य करना है। ये हमारा पियर का स्टेशन हुआ, पानी भरा हुआ है, पानी निकाल रहे हैं। निकालने के बाद लेवल से चेक करके सेट करके फिर उसको वहाँ पर अपन काम करेंगे, पियर का कार्य चालू करेंगे। उधर पटेन से तो कार किया ही जा रहा है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए डायवर्शन रोड की तरफ साहब लोग बैठ के निंत्रणा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे कैसे कार्य को आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए करके देख रहे हैं हम लोग सब कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ठिकरी बना हुआ है, ये रॉड को सीधा करने के लिए, बोलने के लिए, बेंड करने के लिए, एल सेक्शन सबके लिए अपना करने के लिए ठिकरी बनाया गया है साइड में। अब वो ठिकरी बन गया है तो लोहा काट रहे हैं पियर का, नीचे का जाली का और फुटिंग सब बनाएंगे हम लोग अपने तरीके से। देखिए ट्रैक्टर कैसे आ रही है, वहाँ से डायवर्शन रास्ते से आ रही है, बहुत दूर छोड़ती है भाई ये डायवर्शन से। आप बैठे हो पेड़ के नीचे, बैठे नाम के बैठे हो, परंतु बहुत धूल छोड़ता है ये, और बस इतना गर्म तब आप आओगे तो ना एकदम हो जाओगे। ठीक है चलो, हम अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये टोटल सीजन से लेआउट होने के बाद में आप देखेंगे ये एस्टिमेट्स भी जैसा दिया गया है उस हिसाब से वो हमारे जो सर्वेयर साहब आए हैं वर्मा जी, वो बता रहे हैं कि हिसाब से अभी करना है करके उसको, और कहाँ कहाँ आपको कॉलम का वो देना है, मतलब आपका पीआर का जो है वो आपको वो देना है, आपका सेंट्रल लेवल देना है। सेंट्रल लेवल दे रहे हैं, सेंट्रल लेवल देने के बाद में उसके बाद जो रहता है आप सेंट्रल लेवल के बाद जो कार को आगे बढ़ाएंगे, फिर पीआर का अपन लोहा काट के फिर बिठाएंगे, ये सब कार्य चलता रहेगा। अब मैं आपको ये ऑब्वियसली नारा में बताने के लिए कि जैसे अपन काम करते हैं साइड में, अपन टेंडर भरते हैं, टेंडर तो ऐसे भर देते हैं, देखते हैं कि अभी लोगों को डाल देते हैं, लेने के लिए डाल देते हैं। इसमें आपको क्या कॉस्टिंग बताएंगे, आप इसमें देखना आपको क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, एक्सेशन में कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है, गड्ढा खोदने में कितना टाइम लग रहा है, और गड्ढा खोदने के बाद आप मशीन में डीजल कितने डाल रहे हैं, गड्ढा खोदने के बाद में ढेर लगे, ढेर लगा तो उसको यहाँ से लेके उधर सफाई भी करना पड़ता है साथ में, एक्सेशन करेंगे उसके बाद सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद अपन पियर के लिए अपन फाउंडेशन के लिए पुटिंग करने के लिए नीचे अपन जाली डालेंगे, बेस करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे, सबका आपको अलग अलग रेट निकल के मिलेगा।
आपको बताइए कि इसे क्या क्या कॉस्ट्यूम पड़ता है पूजा बनाने में। आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट हो या नया नया चालू कर रहे हो सीख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है कि मतलब किस तरह से काम होता है समझ जाएंगे और सब अपने अपने काम में लगे हुए है ना। तो ठीक है अभी तो एक्सप्रेशन एक तो करके रखे थे जब अपने प्लान टेम्परेरी मार्क से लेकर तो उसमें तो पानी भर गया। उसको निकालने के बाद फिर लेवल चेक करके फिर एक बार सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर बेस करने के बाद फिर जाल डाल के फिर उसका लोहा डाल के फिर उसका कंक्रीट करके फाउंडेशन का काम करेंगे। तो ऐसा ऐसा धीरे धीरे सब चलता है काम, मतलब इसमें बहुत फास्ट काम नहीं हो पाता कि हम चाहेंगे तो एकदम ही फास्ट काम हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है पर ऊपर आने के बाद फिर जल्दी काम हो जाता है। तो ये अभी देखो अपन आप लोग पढ़ते हो देखते हो जो भी है कि थायराइड से किए हैं पुरानी लेवल ये तो मिलियन डाउट आ गया है आपसे दस टाइम को जीरो मिला उसके ऊपर ये थायराइड टोटल सेक्शन जैसे लगाएंगे आप तो तुरंत टोटल सेक्शन अपने आप पूरा जीरो मार्क कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये मतलब टोटल सेक्शन को जीरो मिलाने के लिए। तो मिला दिए हूँ अब ये करके वो मार्किंग कर वहाँ देखिए तीन बंदे खड़े हैं दूर मशीन के पास वहाँ पे ये फोन से वार्तालाप करके हम लोग अपना मार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे लेवल का ठिप्पी और ठीला बनाने के लिए फिर से आगे बढ़ सके कार्य करने के लिए करके मशीन आपके लिए देखो एक बजा खाना खाना जाना करके निकल गया भाई सिद्धा गाड़ी खड़ा किया निकल गया उसको फर्क नहीं पड़ता आपको नुकसान हो रहा है नफा हो रहा है क्या हो रहा है वो अपना गाड़ी बंद करेगा निकल जाएगा और आज आराम से खाना ना खाने के बाद यही हम दिनचर्या जानते तो है ना। तो ठीक है फिर अभी आप जैसे लोहा कटना चालू हो गया है वहाँ पे और वहाँ पे लोहा काट रहे हैं बनाने के लिए जाली तो जाली बनने के बाद फिर कुटिंग डालेंगे अभी तो सफाई करना है डी क्लियर के आपका इसके बाद एग्जॉस्ट भी आएगा एक बड़ा मशीन आएगा जिसमें अपन सीमेंट देती गिट्टी मिला के कॉन्क्रीटिंग करेंगे वो भी आपको एक बार दिखाएंगे कैसे मतलब गाड़ी में करके डालते हैं देखो जगह भी है कैसे हम जगह बनाएंगे अब उसमें पानी निकालेंगे बेस करके फिर फिटिंग करेंगे ये सब स्टेप बाय स्टेप आप देखना आपको देखने मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप करेंगे काम को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये चल रहा है अपने फाउंडेशन का काम लेवल का काम चल रहा है तो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेगा। अब ये देखो हमारे छोटे साहबजादे साहब अब जाएंगे देखेंगे अपने लेवल का क्या मार्किंग हुआ कि नहीं हुआ का कितना आगे बढ़ा है एक बार देख के आएंगे भी चेक कर लेते हैं कि अपने लेवल में कितना हुआ है और कहाँ तक के क्लियर का मार्किंग हो गया है और कहाँ कहाँ का फाउंडेशन का सेंटर लाइन दे दिए हैं और सेंटर लाइन दे दिए हैं तो आगे क्या करना है करके तो देखेंगे और समझेंगे और थोड़ा बताएंगे वो भी आने के बाद कि हाँ ये हो गया है ये ऐसा ऐसा था और ऐसा ऐसा किया गया है करके। तो ठीक है अब देख रहे हैं अपना कैसे करना है काम करके तो आगे बढ़ा रहे हैं उसको धीरे से समझ रहे हैं फैसले के बाद कहाँ तक क्या हो गया है आपका क्या बोलते हैं जो बंदे लोग खड़े हैं और लाइन धागा मार रहे हैं तो देखेंगे मार्किंग समझ में आ रहे लोग खड़े हैं अभी वहाँ तो पहले लाश से ऐसे करके एक एक करके इधर आ रहे हैं वहाँ से लोहा गढ़ते गढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ तक कि मार्किंग हो चुका है अभी और इसके बाद में आगे की ओर जाएंगे और मार्किंग को आगे बढ़ाएंगे वो कैसे कैसे काम बढ़ रहा है करके देख सकते हैं आप। वाटर लेवल में देखने के बाद ही समझ में आता है कितना कहाँ कहाँ से उठ गया क्योंकि वो दूरबीन टाइप के लगा रहता है तो आपको इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है करके तो आप देख सकते हैं वाटर लेवल का भी कार्य चालू है। तो ठीक है इसको तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप धीरे धीरे आप समझेंगे क्योंकि एकदम लेंथी प्रोसेस वाला काम है धीरे धीरे एक एक बार चलता है ऐसा हमेशा का नहीं है इसको आप बोलेंगे कि एकदम तड़फड़ में दिखाए स्पीड भी दिखाएंगे आपको एक बार जो सभी काम हो जाएगा तो उसको सबको मिला के एक बार कंबाइंड करके आपको फुल वाला भी एक बार बना के आपको दिखाएंगे है ना। तो अभी तो आप देखिए और थोड़ा सा एंजॉय कीजिए कैसा है किस टाइप का है कार्य है और किस टाइप का दिख रहा है इसको समझिए और समझने के बाद फिर आप कमेंट्स कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा
और आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या क्या चीज और चाहिए, क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आया नहीं आया तो वो भी बताइएगा किस तरह से इसको बनाना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि बनाया जाए। और हम तो अपने हिसाब से बना देते हैं जैसा लगता है। अगर आपको लगता है कुछ ठीक है, कुछ और भी दिखाना है तो आप बताएंगे उस तरह से उसको दिखाएंगे हम आपको। तो आगे का काम कैसे करना है, किधर देख क्या करना है करके, तो आपको धीरे धीरे आप आगे आपके हिसाब से वो होंगे, अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है करके। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप इसको देखिए और समझिए, और अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ही बताइए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है करके। वो देखिए, वो जाके देखिए वहाँ पे हिप लग गया, ये पूरा एक्सरसाइज जो किया है हमने, ये देखो पूरा एक्सरसाइज का ये मूवमेंट पूरा देखो। अभी आपको इसमें सब ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, आप अगर देखेंगे तो देखो जब देखो वहाँ भी गड्ढा हुआ है, देखो धीरे धीरे वो वहाँ से ऊपर चढ़ गया आएगा वो, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन का है तो इतना पहाड़ बन गया। देखो अभी अगर दूर करते देखो आपको समझ में कितना छोटा दिख रही है, वहाँ पे आदमी छोटे छोटे चीटी टाइप लगे रहते, वो पूरा पहाड़ लगा हुआ है। यहाँ से ऐसा करके पूरा निकाल के इसको सेट करना पड़ता है। गड्ढा करने के बाद ऐसा नहीं कि आप गड्ढा कर दिए उसके सामान पूरी देखो कॉन्क्रीट देख रहे टूटे हुए पूरे ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। उसको आप इंसान के हिसाब से देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थर है, उसको तोड़ के निकाल के एक तरफ स्टेकिंग करना पड़ता है। 7 दिन लग गया लगभग, पिछले शनिवार से कर रहे थे, 7 दिन लग गया है इसको लगभग, जो है वो एक ही गड्ढा खोद के दूसरे गड्ढे में जाने के लिए वहाँ पे जो गड्ढे कर रहे थे। ये देखिए कितना बड़ा कितना बड़ा वाल है, देखिए ये कम से कम देखो 1 मीटर 2 मीटर के आसपास का वाल होगा, और लंबा देखो बीच बीच में जमीन तोड़े बाकी वाल देखो, नीचे देखो नीचे भी वाल है। तो ऐसा है तो उस इतने तो मोटे मोटे वाल को तोड़ना, ये स्लैब देखो यहाँ पे स्लैब टूटा है पूरा, उसके ऊपर स्लैब भी था और पाइप्स को निकाला गया ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे पाइप्स अपन बाकी ऐसे सर्कुलर